आतिफ, आपसे अगर हम समझना चाहें तो आप कहाँ से आते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है? जी, मैं जमशेदपुर झारखंड से आता हूँ। तो सारे झारखंड वालों ने कब्ज़ा कर लिया इस बार आरसीए पे? जी, फॉर्चुनेटली झारखंड के काफ़ी बच्चों ने सिलेक्शन लिया इस बार। और मेरे फादर मदर दोनों टीचर हैं, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, दो सिस्टर है डॉक्टर है, और मैं जमशेदपुर से आता हूँ, ये बैकग्राउंड है। आरसीए में झारखंड के कितने बच्चे इस बार आए? लगभग अगर पूरे बैच में देखा जाए तो लगभग 8-9 हैं। इंटरव्यू इस बार 5 लोग दे रहे थे। और क्वालिफाई कितने लोग किए? 4 लोगों ने किया है। 4 लोग क्वालिफाई किए। आतिफ, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, उससे पहले मैं अगर आपसे ये समझूं कि आरसीए को आपने क्यों चूज़ किया? बाहर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, दृष्टि है, ये है, वो है, काफ़ी लंबी लंबी फीसेज होती हैं, हाई फीसेज होती हैं। आपने पैसे की वजह से आरसीए चूज़ किया या कोई और कारण था, या आरसीए में क्या फीस भी ली जाती है? नहीं, आरसीए का ऐसा है कि एकेडमिक्स के लिए फ़ीस नहीं लगती है, आपको मेस का फ़ीस देना होता है, जो मंथली फ़ीस होता है, जो मेस का कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो वो देता है। उसके अलावा सब एक्सपेंसेस जो होते हैं आरसीए एडमिनिस्ट्रेशन देती है, टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, बाकी मेंटरशिप, सब कुछ आरसीए एडमिनिस्ट्रेशन अकोमोडेशन का भी प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने आरसीए इसीलिए चूज़ किया ताकि सस्ता पड़ेगा। और मेस की क्या फ़ीस है यहाँ पे? मेस की फ़ीस 2500 रुपये है। और जैसा क्यों चूज़ किया था, उसका आंसर ये है कि पैसे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बाहर काफ़ी एक्सपेंसेस रहते हैं, लेकिन आरसीए के साथ पैसों के अलावा जो और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी जगह आपको नहीं मिल पाती है, फॉर एग्जांपल पीयर लर्निंग, यहाँ हर साल सिलेक्टेड बच्चे निकलते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से ही निकलते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हो, और वो एक जो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आप उनसे सीख रहे हो कि वो क्या सही किए क्या गलत किए, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, और वो क्योंकि उसी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जो ये इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है ना, ये मुझे नहीं लगता कि बाकी जगह कहीं मिल पाता है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम मनी मॉनेटरी फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी, कभी ऐसा लगा कि मतलब चूँकि आपके हिंदू दोस्त भी यहाँ पर हैं, मुस्लिम दोस्त भी हैं और बहुत सारे लोग होंगे, तो कभी डिस्क्रिमिनेशन का कोई ऐसा महसूस होता है? नहीं, आरसीए में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खास करके आप यूपीएससी में जैसे बच्चे आते हैं तो काफ़ी मैच्योर बच्चे होते हैं और उनको सोशल डायनेमिक्स के बारे पता होता है, तो वो खुद इतना रैशनल हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि ये सब गलत है, तो वैसा डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं नहीं मिला। बाकी हम लोग सब साथ में रहते हैं, उठते बैठते खाते हैं, ऐसा सब फ्रेंडी हैं, तो कभी हम लोग किसी की आइडेंटिटी बेस पे तो नहीं देखते हैं, जो फ्रेंड है सब साथ में रहते हैं, साथ में करते हैं सब। नहीं, जैसे अभी मैं नाजिया से बात की, नाजिया ने हिजाब किया, आप भी आतिफ हैं, आपका एक दोस्त है अभी रमेश नाम, क्या नाम था? सुरेश नाम था। तो ये एक बड़ा बड़ा जामिया की यही आइडेंटिटी भी रही है, तो क्या आप लोग इसको आगे भी बरकरार रखेंगे? जी, अगर आप कहेंगे तो आरसीए एक मिनी इंडिया जैसा आपको दिख सकता है, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, आप रीजन वाइज भी देखेगा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको साउथ इंडियंस के लोग मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी मिलेंगे, सब ये मिलेंगे। कब्जा तो झारखंड वालों ने कर लिया? जी, फॉर्चुनेटली इस बार हो गया है, लेकिन आप ओवरऑल रिजल्ट्स में देखिएगा तो बाकी लोगों का भी है, बाकी स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए ये डाइवर्सिटी है, तो भले बाहर के लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जब हम लोग साथ में रहते हैं तो सब एक फ्रेंड ही हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सवाल था आपको इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लास्ट लाइव टेलीकास्ट कौन सा देखे हो, मतलब लाइव परफॉर्मेंस शो कौन सा देखो अपने आँखों से, और एक मोबाइल में या इंटरनेट में कौन सा देखो, तो दोनों का एग्जांपल देना था मुझे। तो मैंने कॉलेज में एक फेस्ट हुआ था, कॉलेज फेस्ट हुआ था, तो उसके बारे में बताया था, और जो इंटरनेट में था तो मैं एक यूट्यूब का वीडियो देख रहा था, तो वो कथक डांस था, तो सर ने तो वो तो मैं बता दिया। उसके बाद सर ने पूछा कि कथक डांस का फीचर्स क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं पढ़ा हुआ हूँ वो चीज़, तो लेकिन परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है इंटरव्यू का प्रेशर की वजह से मैं उसका स्पेसिफिक फीचर्स था, 2-3 फीचर्स बताया, तो स्पेसिफिक फीचर्स था जो मैं नहीं बता पाया था, तो वो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा। अपार्ट फ्रॉम मतलब बाकी सब क्वेश्चंस मोर और लेस डेफ के अराउंड थे, अपने हॉबी, स्टेट, ये सब का क्वेश्चन था, तो ठीक ठाक था। सबसे आसान क्या था? सबसे आसान क्वेश्चन तो सर ने एक कहा था कि आप कौन से मूवी स्टार जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा आप ट्रेट्स जो मैच करते हो, जो सबसे क्लोज आप मानते हो, जो आपके ट्रेट से मैच होता है, तो मैंने मनोज वाजपेयी का नाम दिया, कि फिर सर ने कहा कि मनोज वाजपेयी से आपका कोई संबंध नहीं है, आप झारखंड के, मनोज वाजपेयी कहाँ के? जी, डेफिनेटली उनका दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट जो ट्रेड्स है, जो डाउन टू अर्थ, वो नीचे से उठ कर के आए हैं, सोशल इशूज़ को उठा रहे हैं, तो मैं भी सोशल इशूज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत अफेक्शन फील करता हूँ उस इशूज़ को, कनेक्टेड फील करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको जस्टिफाई किया।
और उसके बाद सर ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि कौन सा लास्ट मूवी देखो, तो फिर मैंने बताया कि फैमिली मैन उनका मूवी देखा था मैं, तो भले मूवी पहले आई थी, मैं थोड़ा लेट में देखा था, कुछ दिन पहले ही देखा था, तो उस लाइन्स पे फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा। रिलीजन को लेके कुछ सवाल हुआ था कि आप मुसलमान हो या डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की कोई बातें, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे भी सवाल आते हैं? कभी कभी ओकेजनली आ जाते हैं, लेकिन UPSC गाइडलाइन है कि आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली माइनॉरिटी और ट्राइबल्स इशूज़ के बेसिस पे लाइंस पे क्वेश्चन था, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, ट्राइबल से था। कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे क्वेश्चन था, बट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं था। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या क्या जैसे क्या सवाल था? सर ने कहा था कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बारे में तुम क्या समझते हो और कैसे रिलीजियस फंडामेंटल नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है, तो इस लाइंस पे फिर फर्दर क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये एक सवाल था, इस पर आपने क्या जवाब दिया? देखिए, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो भी फंडामेंटलिज्म, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, और इंडिया क्योंकि बहुत डाइवर्स कंट्री है तो आपको सब कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलना होता है, और हर ज़रूरी नहीं है कि हर कम्युनिटी में आपको सिमिलैरिटीज़ मिले, कुछ कुछ फॉल्ट लाइंस भी होते हैं क्योंकि कल्चर में डिफरेंस आता है। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ये फॉल्ट लाइन को मिसयूज़ करते हैं, और मिसयूज़ करके वो अपना पॉलिटिकल या जो भी बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करता है। तो ये डेफिनेटली, क्योंकि ये फॉल्ट लाइंस को यूज़ कर रहा है, तो नेशनल यूनिटी के लिए एक ख़तरा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, जैसे हमारी सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी, आपने RCA का नाम लिया, जैसे हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल है कोएग्जिस्टेंस का कि हम सब कम्युनिटी भले फॉल्ट लाइंस हो, हम अपने फॉल्ट लाइंस को समझ करके एक साथ आगे बढ़े, तो ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है, और मुझे लगता है नेशन के लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच है जो कि हम देखते आ रहे हैं इंडिया में। एक चीज़ और आतिफ, आपका रैंक कितना है? 819। तो आप तो काफ़ी बॉटम लाइन पे हैं, क्या आगे भी तैयारी करेंगे? जी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IAS था, उसके बाद IPS था। अभी तो मैं डिसाइड नहीं किया हूँ कि करना क्या है, लेकिन अभी मैं कल घर जा रहा हूँ, उसके बाद फैमिली से बात करूँगा। एज क्या, क्यों आपका अभी एज है? जी है, एज भी है, अटेम्प्ट भी अवेलेबल है, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिहार में सर्विस में हूँ, BDO के पोस्ट पे हूँ, तो मैंने एक्सटेंशन लेकर के UPSC के लिए आया था। तो थोड़ा बहुत तो प्रमोशन हुआ ही आपका? नहीं, मैं सर्विस में नहीं था, मैंने एक्सटेंशन ले लिया था सर्विस ज्वाइन करने से पहले, तो प्रमोशन अभी मैं सर्विस में नहीं हूँ, मतलब ऑफिशियली सर्विस में हूँ लेकिन एक्सटेंशन लिया हूँ। नहीं नहीं, BDO से तो आप ऊपर आए ना, मेरे कहने का मतलब ये। अच्छा, उस लाइन्स पे जी, डेफिनेटली BDO से एक बेटर पोस्ट है UPSC का, जो भी पोस्ट मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेड ए सर्विस होती है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आगे क्या कर सकते हैं, घर पर बातचीत करूँगा, मम्मी अब्बू से बात करूँगा, उसके बाद देखता हूँ। नमाज पढ़ते हैं आतिफ या नहीं? जी, कोशिश तो रहती है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की, लेकिन कभी कभार छूट जाता है, तो उसके लिए कज़ा नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अच्छा, कई बार ये भी एक आखिरी सवाल मेरा है, कई बार जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको भी फंडामेंटलिस्ट कह दिया जाता है? देखिए, सोसाइटी आपको क्या कह रही है, क्योंकि आप क्या हो वो आप जानते हो, ठीक है, तो सोसाइटी आपको, आप बहुत अच्छे इंसान, गांधी जी जैसा इंसान पे भी सोसाइटी निगेटिव कमेंट करती है, तो आप जितने अच्छे भी हो जाओ फिर भी सोसाइटी आपका निगेटिव ये करे, तो आपको सोसाइटी पर नहीं जाना है, आप जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, अगर आप सही कर रहे हो तो आपको उसके लिए आगे जाना चाहिए, और नहीं कर रहे हो तो आपको अपने में अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। क्रेडिट किसे देंगे आतिफ, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, अब्बा अम्मा, सब लोग अभी हयात से हैं? जी, सब हयात से हैं, और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि उन्होंने पूरे जर्नी में काफ़ी सपोर्ट किया है, कभी उन्होंने मुझे प्रिपरेशन पे क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने हमेशा कहा कभी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? 6th अटेम्प्ट था, 5 बार मुझे प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिली थी, तो मम्मी पापा ने देखा है मुझे मेहनत करते हुए, तो वो कहते थे कि तुम मेहनत कर रहे हो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो, हमें भरोसा है तुम कर लो, और तुम्हें जब तक मन है तुम करो, और जब तुमको खुद लगने लगेगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ मुश्किल है, तो वो टोटली इट्स योर कॉल, तो एक तरह से पूरा सपोर्ट रहा है फैमिली का, और मैं उसके लिए बहुत खुशगुजार हूँ और बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि मुझे इतनी समझदार फैमिली थी जो सपोर्ट की है। एक आखिरी सवाल, कभी डांट भी मिली, लड़ाई झगड़ा भी कभी किसी से हुआ, कोई ऐसी चीज़? डांट भाई बहनों में होते रहता है। आप सबसे बड़े हैं छोटे हैं? मैं बीच में होता हूँ, मैं, दो बड़ी सिस्टर है और एक छोटा भाई है, तो नोक झोंक होते रहता है, तो भाई बहन में जो अमूमन होता है वो होता है, लेकिन एक एज के बाद फैमिली में मम्मी पापा तो नहीं डांटते, कुछ कुछ गलती हो जाती है तो बोल देते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन उतना ज़्यादा हार्श नहीं होता, वो भी समझते हैं कि बच्चे समझदार हो गए हैं, कहने से ही मान जाते हैं तो क्यों उससे आगे बढ़ना। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी कोई ऐसा हुआ हो, RCA में कभी कोई ऐसा माहौल आया हो? मैं पर्सनली तो सबके साथ कॉर्डियल रिलेशन ही रहा है, और RCA में क्या, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि कॉलेज डेज में भी किसी के साथ लड़ाई हुई है। अभी कोई अफसोस? अफसोस किस टर्म्स में? किसी भी चीज़ को लेकर के, क्या अगर ये ना किया होता या ये कर लिया होता? लाइफ में हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट होता है, आप कुछ एक चीज़ के लिए जा रहे हो तो आप दूसरा चीज़ छोड़ रहे हो, तो
तो ये तो एविडेंट है, हम यूपीएससी के लिए आए हैं तो मैं कुछ जॉब छोड़ के आया हूँ, तो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव था जो मैं छोड़ करके आ रहा हूँ, तो रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि आउटकम क्या है। जैसे मैं अभी यूपीएससी में सक्सेसफुल हो गया तो आउटकम अच्छा है तो मुझे सब कुछ जस्टिफाइड लग रहा है। तो ऐसे तो कुछ खास करके स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है कि जो मैं पछताता हूँ कि लाइफ में ये बेटर कर सकता था। लेकिन आतिफ, मैं बस आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला ये बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि दुनिया में हर इंसान बगैर फ़ायदे के काम करता है। चिड़िया निकलती है, उसको नहीं मालूम कि खाना मिलेगा, दाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। परिंदे निकलते हैं, सूरज निकलता है तो रोशनी देता है, लेकिन इंसान है जो अपना फ़ायदा सोचता है। ऐसा क्यों है? इंसान को तो लोगों का फ़ायदा सोचना चाहिए। मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है जो अपने से आगे बढ़ करके भी काम कर रहे हैं। जैसे RCA में मैंने देखा कि काफ़ी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं या जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं वो खुद से आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। खास करके मैं काफ़ी सिलेक्टेड ऑफिसर्स से मिला हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, मतलब उनका कुछ मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है। हाँ, सोसाइटी में लोग होते हैं जो बहुत मॉनिटरी सेंट्रिक काम करते हैं, बट टोटली ये इसको ऐसा कहना मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे जामिया के आतिफ, नाजिया और सुरेश, जिन्होंने साफ कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का RCA मिनी इंडिया है। लेकिन अच्छी बात भी है कि झारखंड जैसे वीकर स्टेट से या कमज़ोर स्टेट से या ट्राइबल स्टेट से बच्चे अब बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं।